हम सोचे ऐसी बातें, हम सोचे ऐसी बातें, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। बहुत सीधे सरल, कभी कभी सहज में कुछ गीत बन जाते हैं और इंसानियत के नाम पर समर्पित हो जाते हैं। बहुत सहज सरल शब्द हैं, हर शब्द से मोटिवेशनल प्रेरणा लो। हम सोचे ऐसी बातें, हम सोचे ऐसी कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। गीत का आनंद बाद मिलेंगे, उससे पहले अपने प्यार का विस्तार करते हैं और अपने अगल बगल बैठे हुए लोगों को पहले गले लगाओ और अपनी दुश्मनी को कम करो। सब जो जितने बैठे हैं, सारे भाई भाइयों को और बहने बहनों को गले लगाओ। हम सोचे ऐसी बातें, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। दुश्मन से भी हम प्यार करें, दुश्मनी हो जिससे कम। जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है। हाँ हाँ, जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। ये लाइन सब गा लो, सबको अपने अपने माँ बाप की कसम अगर नहीं गाई तो। जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। हाँ हाँ, जिस घर में तूने जन्म लिया वो मंदिर है तेरा, वो मंदिर है तेरा। प्रभु की मूरत है माता पिता, प्रभु की मूरत है प्रभु की मूरत है माता पिता, उनसे न जुदा हों हम। प्रभु की मूरत है माता पिता, उनसे न जुदा हों हम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हाथ खोल लो। भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। हाँ, भाई भाई की ताकत है, भाई से कैसा बैर, भाई से कैसा बैर। माफी मांगे और गले मिले, माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखें शर्म। माफी मांगे और गले मिले, इसमें क्यों रखें शर्म। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। आनंदम। चलो, महाभारत हमने खूब लड़ा और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े हम तुम। हाँ हाँ, महाभारत हमने खूब लड़े
और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े हम तुम। जो लोग मंदिर की मिट्टी की मूर्ति बनकर बैठे हो, अपनी जबान खोल लो। जब बोलोगे ही नहीं तो दिल में बात कैसे उतरेगी? आखिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को लकवा मार जाता है, शायद उन लोगों को मारता होगा जो बोलने में कंजूसाई करते हैं। महाभारत हमने खूब लड़ा और खूब लड़े हम तुम, और खूब लड़े। हाँ हाँ महाभारत हमने खूब लड़े और खूब लड़े तुम हम, और खूब लड़े हम तुम। वो राम लखन का प्रेम त्याग, वो राम लखन का प्रेम त्याग, वो राम लखन का प्रेम त्याग, क्या अपना नहीं धर्म। वो राम लखन का प्रेम त्याग, क्या अपना नहीं धर्म। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। आनंदम दुनिया में ऐसा कौन भला, दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। हाँ हाँ दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। कमियां तो हर इंसान में हो 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 हो, कमियां तो हर इंसान में। केवल औरों की कमियां मत निकालो, खुद अपने भीतर झांक कर देखो। गलतियों से जुदा न तू है न मैं हूं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान है खुदा, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को मगर, पर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। दुनिया में ऐसा कौन भला जो दूध से धुला हुआ, जो दूध से धुला हुआ। कमियां तो हर इंसान में, कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम। कमियां तो हर इंसान में, फिर क्यों न रखें संयम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। हमसे सबको सम्मान मिले और सबको बांटे प्यार, और सबको बांटे प्यार। हमसे सबको सम्मान मिले, सबको ही बांटे प्यार, और सबको बांटे प्यार। बोले तो पहले हम तौले, बोले तो पहले हम तौले, बोले तो पहले मिश्री घोले हरदम, बोले तो पहले मिश्री घोले हरदम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में। कांटों में से ही फूल खिले और पत्थर से पानी, और पत्थर से पानी। हाँ हाँ कांटों में से और पत्थर से पानी, और पत्थर से पानी। हम
भी तो अपने जीवन में, हम भी तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करें करम, हम भी तो अपने जीवन में कुछ ऐसा करें करम। हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचें ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम। 10 सेकंड तक मस्ती से ताली बजा लो। अधरम मधुरम वचनम मधुरम, अधरम मधुरम वचनम मधुरम, हृदयम कर लो मधुरम, हृदयम कर लो मधुरम। हाँ हाँ अधरम मधुरम वचनम मधुरम, हृदयम कर लो मधुरम, हृदयम कर लो मधुरम। चंद्रम मधुरम ललितम मधुरम, चंद्रम मधुरम ललितम मधुरम, जीवन कर लो मधुरम। चंद्रम मधुरम ललितम मधुरम, जीवन कर लो मधुरम। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो हाथ ऊपर। हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो दम, हम सोचे ऐसी बातें कि जिन बातों में हो। चलिए 10 सेकंड तक पहले सुस्ती दूर करते हैं, ताली बजाओ मस्ती से। स्टॉप, दोनों हाथों को सामने लाइए और देखिए अब हाथों में क्या आपको स्पंदन महसूस हो रहे हैं, क्या आपका वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। आपने तालियां खूब बजाई होंगी आज, देखो ताली बजाकर आपको हाथों में क्या फीलिंग हो रही है। हैव यू एनी फीलिंग? यस, तो बजाओ फिर। हाँ, मौका मत छोड़ो। ओके, ओके, ओके। बड़ी सोच का बड़ा जादू। इंसान की जितनी बड़ी सोच होगी इंसान के जीवन में उतना ही बड़ा जादू होगा। यदि आप भगवान से कोई वरदान मांगना चाहें तो फैक्ट्री मत मांगो, व्यापार मत मांगो, दुकान मत मांगो। अगर मांगना ही है तो केवल एक ही जादू की छड़ी मांगो और वह है बड़ी सोच के जादू की छड़ी। हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने सारे देश में घूम करके देशवासियों को बड़ा और ऊंचा सपना देखने की प्रेरणा दी और हम चंद्रप्रभ और ललितप्रभ आपके चेन्नई और सारे देश में जाकर लोगों को ऊंचे सपने नहीं बल्कि ऊंची सोच का मालिक बनाने की प्रेरणा देते हैं कि हम में से हर कोई आदमी बड़ी और ऊंची सोच का मालिक बने। हर आदमी को अपनी सोच उतनी ऊंची रखनी चाहिए जितनी कि अगर देश में जाकर खड़े हो तो कुतुब मीनार से नीचे अपनी सोच को छोटा मत रखो और परदेश की धरती पर जाकर खड़े हो जाओ तो अपनी सोच को इतना ऊंचा उठाओ जितना कि परदेश में एफिल टावर ऊंचा खड़ा है। हमारी सोच भी उतनी ही ऊंची होनी चाहिए। हमारे यहां की सबसे बड़ी बदनसीबी यह है कि हम लोग घर बदल लेते हैं, लिबास बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, लिबास बदल लेते हैं, पहनावा बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, दोस्त और रिश्तेदार बदल लेते हैं, पर अगर कोई चीज नहीं बदल पाते तो वो है हमारी सोच। हम सब कुछ बदलने में समर्थ हो गए। आज अगर हम लोगों ने नए युग में अपने कदम रखे हैं, लोगों ने, सब लोगों ने अपने आप को बदल डाला, सबके मकान बदल गए। कल तक जो पायजामा और कुर्ता में घूमते थे सारे लोग जींस में आ गए हैं और कल तक जो माताएं बहनें घूंघट में रहती थी आज वो बड़ी बड़ी कंपनियों की सीईओ बन करके और कंपनी और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कल तक
कल तक जिन बच्चियों को केवल फ्रॉक पहना करके और स्कूल में जाने के लिए भी रोका जाता था, हमारा जमाना बदल गया। आज जमाना आ गया है कि वो फ्रॉक हट चुकी है और वही बच्चियां कल्पना चावला बन करके चंद्रलोक तक पहुंच चुकी है। बड़ी सोच धरती पर जिसने भी अपनी बड़ी सोच बनाई वो हर आदमी ऊंचा पहुंचा। हमने देशवासियों को और कुछ दिया या नहीं दिया, सारे देश में घूम करके हमने जिस टूटा हुआ समाज था, जो समाज पंथ परंपराओं में बंटा हुआ था, जो समाज केवल संप्रदायीकरण करता था, एक दूसरे का विरोध करता था, ये चंद्रप्रभ और ललितप्रभ का कमाल था कि सारे देश के एक एक पैगाम देकर, सारे देश के एक एक शहर में पैगाम देकर, सारे संतों सारे महंतों और आचार्यों को पैगाम देकर उनकी मेंटेलिटी चेंज की और मेंटेलिटी चेंज करके सबको एक दूसरे के करीब आने का वातावरण हम लोगों ने तैयार किया। और हमारा मानना है तुम जितने एक दूसरे के करीब आओगे तुम्हारी ताकत उतनी ही बढ़ेगी। अगर बंटकर रहोगे, हाथ की अंगुलियां अगर बंटकर रहेगी नपुंसक कहलाएंगे, पर हाथ की अंगुलियां अगर मिल जाए तो फौलाद बन जाएगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे एक होने में है, तुम्हारी ताकत तुम्हारी बड़ी सोच में है। हमारी बड़ी सोच में हमारे बड़े जादू छिपे रहते हैं। हमने आज अगर देखो पिता और पुत्र दोनों के बीच में दूरी का कारण क्या, सास और बहू के बीच में दूरी की वजह क्या, दादा और पोता, न बहू दादे को अपने घर में रखना चाहती है और न दादा पोते को अपना टाइम देना चाहता है, आखिर क्या वजह रही। हमने सब कुछ बदल डाला, फ्लैट बड़े बड़े हो गए, कपड़े पहनावे बदल गए, पर हमारी सोच अभी भी वही, दो दो सौ साल पुरानी, सौ सौ साल पुरानी वही सोच आज हमारे भीतर पलती है। एक घर में अगर बहू के सिर से अगर पल्लू खिसक जाए, बहू का पल्लू क्या खिसकता है, ससुर का तो माथा ही खिसक जाता है। अरे आज के जमाने में अब केवल इतनी मर्यादा रह गई है कि आपकी बहू आपके घर में है तब तक तो सिर ढकती है, साड़ी में बैठी रहती है, और जैसे ही आपके घर से बाहर निकली, गली से बाहर ना निकली कि झट से पल्लू नीचे डाला। मैं आजाद, तुम आजाद, तुम जमाने को समझो, युग को समझो, और जब तक कोई व्यक्ति युग के अनुसार नहीं चलेगा तो दादा केवल अपने गांव में पलंग पर पड़ा पड़ा हुक्का फूंकता रहेगा, और ये पोते और पोतियां आगे बढ़कर के कोई देश से ठेठ अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। हम सब लोगों को बड़ी सोच बनानी होगी, समाज के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए सब लोगों को बड़ी सोच बनानी होगी। आज अगर केवल समाज के सामने सोचने के लिए केवल एक बिंदु रख रहा हूं, और बिंदु यह रख रहा हूं, पिछले 5 साल में हिंदुस्तान में पद यात्रा करने वाले जैन साधु साध्वियों में से 500 से ज्यादा साधु साध्वी कार, टैक्सी, बस, ट्रक के एक्सीडेंट में मर मर के खत्म हो चुके हैं। ये समाज केवल हम लोग सुनते हैं, आज वहां एक्सीडेंट हो गया, कल वहां एक्सीडेंट हो गया, कल ही मेरे पास खबर आई, और खबर ये आई कि अमुक स्थान पर एक साध्वी जी का एक्सीडेंट हो गया, वो वहीं ऑन द स्पॉट चल बसी। परसों यहां आने पर पता चला यहां पर जो साध्वी वृद्ध विराजे हुए हैं उनके साध्वी में से ही एक साध्वी को एक्सीडेंट हुआ, मर गई। ओह, हम लोगों ने अपना जीवन, संयम जीवन, शासन की सेवा के लिए लिया है, धर्म की सेवा के लिए लिया है, बसों और ट्रकों के नीचे कुचलने के लिए हमने अपना संयम जीवन धारण नहीं किया है। हम लोग समाज के लोग केवल बैठ करके बातें कर लेते हैं, हम लोग अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं होते, और परिणाम ये आता है 5 साल में अगर 500 साधु साध्वी मरे हैं, दुनिया लगातार फास्ट होती चली जा रही है, पहले 60 किलोमीटर की स्पीड में कारें चलती थी, आज 120 और 200 की स्पीड में कारें चल रही है, और आने वाले 5 साल के बाद में जब मेट्रो ट्रेन ही चल रही है और जब बुलेट ट्रेनें हमारे यहाँ आ रही है, तब सोचो कि हम लोग अगर अपनी सोच को बड़ा नहीं करेंगे तो आने वाले कल को धर्म का निर्माण नहीं होगा, समाज का निर्माण नहीं होगा, बल्कि
एक्सीडेंटों में मैं चाहता हूँ मेरी जब मृत्यु हो तो मैं प्रभु के ध्यान में रहूँ और अरिहंत प्रभु के ध्यान में रहूँ, मेडिटेशन करता हूँ और उस समय मेरी मृत्यु हो जाए, मेरी नश्वर काया छूट जाए और मैं प्रभु की दिव्य ज्योति में समा जाऊं। मैं चाहता हूं मेरी ऐसी मृत्यु हो। पर अगर हम लोग बड़ी सोच के मालिक नहीं बनेंगे तो मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। हम लोगों को बड़ी सोच का मालिक बनना होगा, हम लोगों को बड़ी सोच का मालिक बनना होगा। आज अगर आप लोग अगर अपनी केवल एक धर्म की बात ले लें तो आज कोई थानकवासी बन करके बैठा है, कोई तेरा पंथी बन करके बैठा है, कोई मंदिर मार्गी बन करके बैठा है। अरे और तो और अगर कोई जमीन को लेकर झगड़ा हो जाए तो कोई खरतर गच्छ और कोई तपा गच्छ बन करके बैठा है। ओह कितनी छोटी सोचे हो गई हम लोगों की। हम लोग महावीर का धर्म अब नहीं रहा, अब हम सब लोगों का अपना अपना धर्म हो गया, अपने अपने कुएं हो गए, अपने अपने मेंढक हो गए। महावीर का धर्म कहीं और चला गया। आज अगर महावीर धरती पर आकर देखना भी चाहे कि मेरा धर्म कैसा है, वो यहां आकर के आंसू बहाकर ना चले जाएं तो मुझसे कह देना। वो अगर धरती पर आएंगे उनके सामने समस्या रहेगी, वो कहां जाए, किसके पास जाए, थानक में जाए कि मंदिर में जाए, कि तेरा पंथ में जाए, कि दिगंबर में जाए, कि श्वेतांबर में जाए। महावीर उलझ जाएंगे। महावीर के सामने चंड कौशिक आ गया नहीं उलझे, पर मंदिर मार्गी और थानकवासी आ जाएंगे तो महावीर भी चक्री खा जाएंगे कि मैं कहां आकर के उलझ गया, कहां आकर के फंस गया। छोटी सोच ने समाज को बांटा, छोटी सोच ने धर्म को बांटा, छोटी सोच ने परिवार को बांटा, छोटी सोच ने सास बहू को बांटा, सगे भाई भाई को एक खून को आपस में बांट डाला। वजह क्या रही? छोटी सोच, छोटी सोच, छोटी सोच, छोटी सोच। एक बच्चा अपनी स्कूल से बाहर निकला और जैसे ही बाहर निकलते ही देखा कि स्कूल के बाहर एक ब्लैक कलर की शानदार मर्सिडीज कार खड़ी थी, शानदार। हाथ चलाओ तो ऐसे लगता है हाथ फिसल पट्टी पर चलते ना, ऐसे हाथ चला जाता है जैसे कोई गाल पर पाउडर लगा कर आए और हाथ कैसे फिसलता है। वैसे ही उस मर्सिडीज कार पर हाथ चलाओ तो आदमी का हाथ फिसल जाए। ऐसी शानदार ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार बच्चे ने जैसे बाहर देखा, अरे वाह पता नहीं यार किस सेठ की है, जोरदार है यार, जिसने भी है जिसकी भी है यार, आइटम बड़ा जोरदार है। वो कार पर हाथ फेरने लगा, कभी अंदर झांकने लगा, कभी आईना देखने लगा। मस्ती आ रही थी, खुशी मिल रही थी, कार तो किसी और की थी मगर मजा वो ले रहा था। इतने में ही कार का मालिक चला आया, अंकल ने आकर के जैसे देखा कोई बच्चा अंदर झांक रहा है, बाहर देख रहा है, कार पर हाथ फेर रहा है, उसने कहा क्यों क्या बात है, कार पसंद आई क्या? अरे अंकल क्या बात करते हैं, मस्त मस्त है आपकी कार, झकास झकास। अच्छा तुझे इतनी पसंद आई? अरे अंकल क्या बताऊं, आज पहली बार इतनी सुंदर कार देखी है। अच्छा इतनी सुंदर कार देखी है, तो घूमने की इच्छा हो रही है क्या? अरे सर मजा आ जाए अगर आप मुझे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाएं तो मजा आ जाए, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। अच्छा तेरा बर्थडे, अच्छा तब फिर तुझे गिफ्ट देता हूँ। और कार के अंदर बैठा लिया, खुद कार चलाने लगा, बच्चे को अपने बगल में बिठा लिया। और जब कार चलने लगी यूं सर्रा 200 किलोमीटर की स्पीड से, छोरा तो दंग रह गया, भाई ये तो सुना है कि हवाई जहाज दौड़ता है, रॉकेट आसमान की ओर ऊंचा फर्राटे से चलता है, पर कार भी इतनी फर्राटे से, वो मजा आ गया। कार वाले ने छोरे के पीठ पर हाथ रखा और कहा बड़ा मजा आ रहा है। सर बड़ा मजा आ रहा है, आज मेरा हैप्पी बर्थडे आनंदपूर्ण हो गया, आपने मुझे घुमा करके बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया। पर बेटा एक बात बता, तू भी क्या बड़ा होकर ऐसी कार लेना चाहेगा? हाँ सर बिल्कुल, मैं भी ऐसी कार लेना चाहूंगा। अच्छा सर ये कार कितने की है? उसने कहा नहीं मुझे पक्का पता नहीं है, क्योंकि एक महीने पहले जब मेरा बर्थडे था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कार गिफ्ट दी है। मेरा जब एक महीने पहले बर्थडे था तो मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कार गिफ्ट दी है।
अंकल ने पूछा, तो क्या तू भी ऐसी कार लेगा? वो एक पल सोचा और फिर कहा, नहीं सर, मैं नहीं लूँगा। बोले, क्यों? बोले, नहीं, मेरी सोच अब बदल गई, मेरा मन अब बदल गया। बोले, क्यों, क्या हुआ? बोले कि अब मुझे लगता है मुझे क्या करना चाहिए सर, मैं कार लेने की बजाय आपके बड़े भाई की तरह बनना पसंद करूंगा, ताकि मैं भी अपने छोटे भाई को मैं कार लेने की बजाय आपके बड़े भाई की तरह बनना पसंद करूंगा, जो छोटे भाई को ऐसी ही कार गिफ्ट करे। ऐ मेरे भाई बहनों, आप अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि ये दुनिया कभी कल्पना भी ना कर पाए कि कोई इंसान इतना भी ऊंचा सोच सकता है। हम में से हर किसी इंसान को अपनी सोच को ऊंचा उठाना होगा, इतना ऊंचा उठाना होगा, इतना ऊंचा उठाना होगा। आप में से कोई व्यक्ति है क्या जो रोज योगासन करते हैं? कौन है, कोई व्यक्ति है क्या जो रोज योगासन करता है? खड़े हो तो स्टैंड अप। कौन है जो रोज योगासन करता है? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। आप रोज योगासन करते? आप भी रोज, आप रोज योगासन करते? कितने लोग हैं यहाँ रोज योगासन करने वाले? ओहो, भारत को अब फिर से जीवित करना होगा। अगर यहाँ पर 5,000 लोग बैठे हैं तो 5,000 लोगों में से गिन करके 5 लोग निकल पाए हैं, 10 लोग निकल पाए हैं जो योगा करते हैं। भारत को फिर से चार्ज करने के लिए हर व्यक्ति को योगा की शरण में आना होगा। योग हेल्थ से जुड़ने के लिए हर आदमी को योग करना होगा। चलिए, आप योगासन करते हैं? सभी लोग करते हैं। ओके, चलिए ताड़ासन कीजिए। ताड़ासन कीजिए तो ताड़ासन, ताड़ासन फिर क्या योगा करते हैं? ताड़ासन करना ही नहीं आता। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं। अच्छा, हम तो अब आए हैं, योगा अब सिखाएंगे। चलिए एक काम कीजिए, दोनों हाथों को पंखों की तरह फैलाइए, सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, अंगुलियों में कैंची बनाइए, अब बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों को आसमान की ओर ले जाइए। ये है ताड़ासन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, चलिए जिनके गेस्ट हाउस में रुके हैं उन्हीं से ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अभी आपकी बॉडी की हाइट कितनी है? 5'11" 5'11"। अच्छा, तब तो अभिषेक बच्चन को टक्कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। 5'11" लगभग 6 फुट के हैं। आपने ताड़ासन किया तो आपकी हाइट कितनी हो गई थी? 6'4" 6'5" 6'5" ओके, ये कहते हैं 6'5". चलो अपन और अगर संभावना बनाते हैं, कोई अगर पूरा ही लंबा, यहाँ कोई है क्या 6 फुट वाला? कौन है 6 फुट वाला? खड़े हो तो, आहा, 6 फुट वाले जवान कौन कौन है? कौन कौन है 6 फुट वाले? अच्छा, 6 से ऊपर किसका है? 6.1 किसका है? हाथ ऊपर करो तो। अच्छा, 6.1 वाले हैं। 6.2 वाले हैं? ये कितने हैं? 6.2। अच्छा, इधर भी है 6.2। 6.3 किसका है? चढ़ावा आगे बढ़ रहा है। 6.3 किसका है? 6.3 किसका है? अच्छा, 6.2 में सब जाम हो गए हैं। ओके, 6.2। वैसे सारे 6 वालों से कहूंगा कि वो यहाँ बैठना बंद करें और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा में जाकर के मिलिट्री में भर्ती हो, वहाँ आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। अरे, जो जिनको भगवान ने ऊंचा कद काठी दिया वो तो वहाँ जाओ, और जिनको ऊंचा कद काठी नहीं बैठा वो तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, पर जिनकी कद काठी ऊंची है वो तो वहाँ तक पहुँचो। अच्छा चलिए, आपकी हाइट 6.2 है, आप अपनी हाइट को ऊंचा कीजिए, कितना हो सकते हैं? देखें कितना हुआ, एड़ी ऊपर करो, आप देखो, और लास्ट कितना हाइट कर सकते हो, जितना ऊंचा कर सकते हो कर लो, कितना हुआ? नापो नापो नापो, अपना कितना हुआ है? 7.5 तक भी अपन मान लेते हैं। ओके, हाथ नीचे कीजिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर कोई व्यक्ति योगासन करेगा, और चाहे रविशंकर जी के यहाँ चला जाए या रामदेव बाबा के यहाँ चला जाए, कोई आदमी वहां जा के भी ताड़ासन और योगासन कर ले, पर फिर भी आदमी अपनी हाइट को 7.5 से ऊपर नहीं कर सकता। पर आपको हाइट ऊंची करने का तरीका ये बताऊंगा, ताड़ासन कर करके भी कोई आदमी अपनी हाइट को 7.5 नहीं कर सकता, पर अगर आप अपनी सोच को ऊंचा कर लें, पर अगर आप अपनी सोच को ऊंचा कर लें तो आप एवरेस्ट से भी और ऊंचे हो सकते हैं। केवल अपनी सोच को ऊंचा उठाने की जरूरत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू। सिट डाउन बेटा। ओ, बात समझ में आ रही है आज? आज समझ में आ रही है बात?
चेन्नई में जो गुरुजन आए हैं वो हम में से हर आदमी को बड़ी सोच का मालिक बनाना पसंद करते हैं। जिस दिन आप लोगों की सोच बड़ी हो गई, समाज में एकीकरण हो जाएगा, धर्म में एकीकरण हो जाएगा। आज अगर आपकी संवत्सरी अलग अलग मनाई जाती है तो इस कारण मनाई जाती है क्योंकि हमारी सोच क्या है, छोटी है, जिसके चलते। अरे छोड़ो, अभी आज और कल में मुसीबत का सामना करना पड़ा और मुसीबत का सामना ये करना पड़ा। कोई कहते हैं 2/14 से और कोई कहते हैं 2/13 से। कोई क्या कहता है 2/13 और कोई कहता है 2/14। अब जिन्होंने कल 14 मनाई वो आज खाने पीने के लिए उनको छुट्टी, और जिन्होंने आज 14 मनाई उनकी कल खाने पीने की। ओहो, जो मन में आए सो खाओ। क्या अपन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। लोग कहते हैं, कोई कहता है हम तप्पा गच्छ का पंचांग मानेंगे, कोई कहता है हम खर्तर गच्छ का मानेंगे, खर्तर गच्छ में भी वो उसके आचार्य का मानेगा, वो उसके आचार्य का मानेगा। मैं कहता हूँ सारे लफड़े हटाओ। इन लफड़ों ने, तिथियों ने समाज को बांट करके रख दिया है। अरे जिस दिन सारा भारत और भारत का कैलेंडर जिस दिन जो तिथि मानता है उसी दिन तुम भी अपनी तिथि मान लो। लफड़े हटाओ, सबको एक सूत्र में बांधो, एक सूत्र के करीब लाओ। छोटी सोच रखोगे, संवत्सरी अलग, पर्युषण अलग। क्या हमने अपने धर्म का स्वरूप बना डाला है और सब अपने आप को हम लोग कहते हैं हम लोग सब समझदार हैं, सब पैसे वाली पार्टियां हैं, सब ऊंची ऊंची पार्टियां हैं। भाई साहब, संपत्ति खूब बढ़ गई पर सोच हमारी नहीं सुधर पाई। संपत्तियां हमारी खूब बढ़ गई पर सोच हमारी नहीं सुधर पाई। और अगर ये समाज के जो अग्रगण्य लोग जो कहलाते हैं, जब तक वो अपनी सोच को ठीक और पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, आने वाले 50 साल के बाद में ये दुनिया कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। ये आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और कहेगी जिस धर्म में केवल ज्ञानी हुए थे उस धर्म का हमने आज कैसा बंटा धार कर डाला है। केवल ज्ञानी नहीं रहे, अब तो सारे ही केवल ज्ञानी हो गए। अच्छा जरा देखें, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जैन धर्म में जो संवत्सरी पर्व मनाया जाता है, कितने लोग चाहते हैं कि अलग अलग हो? हाथ खड़ा करके बताइए तो अरे कोई तो निकलो यार, माइका लाल। जब कोई हाथ ही खड़ा नहीं कर रहा है तो सवाल ये उठता है, ये करता कौन है अलग अलग, ये अलग अलग कौन करता है? अरे मैं तो समाज से कहूंगा, आप लोग अगर महाराजों के भरोसे अगर रहे तो ये महाराज तो कभी एक होने वाले नहीं है। इसलिए महाराजों को तो बोलो, बाप जी आप तो चौकी पर विराजो, आप बठी चोखा लागो, ये चौकियां आप लोगों के लिए बनाइए, आप वहां बैठो, अच्छी बातें कहते रहो। अरे महाराजों को अगर सौंपोगे तो ये समाज पिछले 2500 साल में भी एक नहीं हो पाया। महाराजों के भरोसे रहे तो 2500 साल में हमारे इतने बिखराव हो गए। मैं कहूंगा 25 साल के लिए सारा समाज एक हो जाए, महाराजों के बाप को एक होना पड़ेगा। सारा समाज अगर एक हो जाए, आज अगर कोई निर्णय मद्रास चेन्नई में अगर निर्णय लिया जाता है, क्या वो निर्णय पूरा दक्षिण भारत पर असर नहीं डालेगा या नहीं डालेगा? यहाँ आसपास के सारे गांव के लोग किसका अनुसरण करेंगे? आसपास के गांव के लोग कहते हैं हम तो साहब एक होने का तैयार हैं, पर हम पर असर पड़ता है चेन्नई का। ओ, आपको पता है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई क्यों किया गया? ताकि कुछ नया नया कर सको, इसलिए चेन्नई नाम दिया गया। चेन्नई नाम इसीलिए दिया गया ताकि हम लोग कुछ नया नया कर सके, पर अपन लोग तो नया करते ही नहीं है ना। वो अभी अभी बाप जी कह रहे थे ना, कल परसों में ऐसी कोई चर्चा चल रही थी और तब कह रहे थे कि अमेरिका में अगर लाइट चली जाए तो बिजली घर में फोन करते हैं। क्या बात है, लाइट कैसे चली गई? जापान में अगर लाइट चली जाए तो फ्यूज चेक करते हैं कि पता नहीं कहां से क्या गड़बड़ हुई, हमारे यहाँ तो लाइट जा ही नहीं सकती, फ्यूज निकाल कर चेक करते हैं। और इंडिया में हम लोग अपने बलबूते तो कोई निर्णय करते ही नहीं है। यहां तो पड़ोसी क्या कर रहा है, वहां अगर ठीक हो रहा है तो हम ठीक होते हैं।
पड़ोसी के घर में अगर लाइट नहीं है, बोले जाने वाह ठीक है, वही मरे हुई मरू, वही गर्मी मरे हुई मरू, वठे भी फूट है तो हमारे घर में भी फूट है, चालेला वठी चालेला तो हमारे घर में भी चालेला। ओह छोड़ो कि वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, बल्कि ये सोचो मेरे घर में चलेगा या नहीं चलेगा। अब अगर मैं पूछना चाहूँ, कितने लोग चाहते हैं कि संवत्सरी को हाथ खड़ा करके बताइए तो ईमानदारी से। और देखो भाई सारे समाज के लोग देखो, यहाँ बहुत अग्रगण्य लोग बैठे हैं, थोड़ा कोई है क्या, देखो कोई हो तो नीचे रख लेना पूरा, सब बोलो तो संवत्सरी, संवत्सरी, संवत्सरी। और पता है ये कब हो पाएगा? बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू। आज अगर आप लोगों के बीच में जो गुरुजन आए हैं, ये मत सोचो कोई चंद्र प्रभु या ललित प्रभु आए हैं, आप यही सोचो कि महावीर की संतान आए हैं, जो महावीर के पैगाम हम सब लोगों को दे रहे हैं और सिखाना चाहते हैं, समाज को जगाना चाहते हैं, समाज को चार्ज करना चाहते हैं और जो बताना चाहते हैं। आने वाले कल का निर्माण अगर होगा तो बड़ी सोच के कारण होगा। हमारी सोच में दो ही गुण होनी चाहिए, सोच हो ऊंची और सोच हो अच्छी, सोच हो ऊंची और सोच हो अच्छी, सोच हो ऊंची और सोच हो अच्छी। आज का संदर्भ है सुखी होने का, एक ही मंत्र है, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। सब बोलो तो, तीसरी बार फिर बोलो तो, जो दरवाजे पर खड़े ना बाहर सड़कों पर, जरा वो भी बोल लो क्या मंत्र है, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। देखिए अरिहंतों ने धरती पर आकर के नवकार मंत्र दिया, वेदों ने आकर के धरती पर गायत्री मंत्र दिया, कुरान ने इंसान को नमाज अदा करते हुए अल्लाह अकबर का मंत्र दिया, पर चंद्र प्रभु और ललित प्रभु ने धरती पर जी करके और धरती वासियों को केवल एक ही मंत्र दिया और वो मंत्र है नो नेगेटिव बी। दोबारा बोलो तो जोर से, थोड़ा पड़ोसी को सुनाकर बोलो तो, सुखी होने का एक ही मंत्र है नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। हम में से हर किसी इंसान को अपने आप से पूछ लेना चाहिए कि वो सुखी राम बनना चाहता है या दुखी राम। आप क्या बनना चाहते हैं? ओ भाई साहब दोबारा बोलो तो, सुखी राम। आपने सबने कहा कि सुखी राम। अब जरा मैं आपसे पूछूं, गुस्सा कितने लोगों को आता है, हाथ खड़ा कीजिए तो। ओ सबको आता है, इसका मतलब ये हुआ हम लोग चाहते तो हैं कि हम सुखी राम बने, पर काम जो करते हैं वो सब दुखी राम होने के काम करते हैं, हम काम जो करते हैं वो दुखी राम होने के काम करते हैं। अरे ऐसा मत कमाओ, ऐसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, इतना भी मत खाओ कि बीमार हो जाए, इतना भी मत कमाओ कि पाप हो जाए और ऐसा भी ना खाएं कि बीमार हो जाएं, खर्चा करें पर ऐसा भी खर्चा ना करें कि हम पर कर्ज चढ़ जाए, इतना भी खर्चा ना करें कि हम पर कर्ज चढ़ जाए, फिर चाहे बेटी का ब्याह हो चाहे अपनी बिल्डिंग भी क्यों न बनानी हो, आदमी धरती पर जब तक रहे उस पर कर्ज का लोड तो नहीं रहना चाहिए। इतना भी मत कमाओ, बोलो तो, कि पाप हो जाए, ऐसा भी मत कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसा भी मत खाओ कि बीमार हो जाए, इतना भी खर्चा न करें कि कर्ज चढ़ जाए, ऐसे भी ना चले कि कहीं पहुंचने में देर हो जाए, ऐसे भी, ये खास तौर पर जो लेट आ रहे हैं ना उनको कह रहा हूं, ऐसे भी ना चले कि हम लेट हो जाएं, देर हो जाएं, और ऐसा भी ना बोलें कि घर में क्लेश हो जाए। अब आप सब लोग बोल दो भाई, ऐसा भी न कमाए कि पाप हो जाए, ऐसा भी न कमाए कि पाप हो जाए, और ऐसा भी न खाए कि
बीमार हो जाएं, सामने वाला तो 100 आइटम बना बना के तिर जाएगा, तुम ब्राह्मण बन के सारे आइटम क्यों खा के आते हो? अगले ने कब कहा कि सारे आइटम खा के आओ? तुम तो तुम्हारा नियम रखो कि जब भी खाना खाने बैठूंगा 10 आइटम से ज़्यादा थाली में नहीं लूँगा, 10 आइटम से ज़्यादा अपनी थाली में नहीं लूँगा। नहीं तो आपको बताऊँ, चेन्नई में जो जो खासियतें हैं, चेन्नई में जो जो खासियत है, उनमें एक सबसे बड़ी खासियत हमें नजर आई, यहाँ पर अधिकांश लोग सब सेठ 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 गणपति बप्पा मोरिया नजर आते हैं। यहाँ पर चेन्नई में पता नहीं, मेरी नज़र में ऐसा आया होगा, मुझे रोजाना 10 लोग अगर मिलते हैं तो 10 में से 6 लोग कोई सेठ है, कोई सेठानी है, किसी का पेट आगे है, किसी का पीछे से आगे है। पर यहाँ पता नहीं है, मैंने कहा ऐसा भी मत कमाओ कि पाप हो जाए। जो लोग अगर गरीबी का भी धंधा करते हैं ना, ठीक है भाई, गरीबी थी, अपन ने भी कर लिया, वो भी गरीब था, उसने भी कर लिया, आज तो अपन सब लोगों ने पैसा कमा लिया, इसलिए किसी को गिरवी रख करके किसी का शोषण करने का पाप अपने ऊपर मत चढ़ा। ऐसा भी मत कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसा भी मत कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसा भी मत खाओ कि बीमार हो जाए। और बोलो भाई आप आगे, इतना भी खर्चा मत करो कि कर्जा हो जाए, ऐसे भी मत चलो कि लेट हो जाए, ऐसा भी मत बोलो कि क्लेश हो जाए, और इतनी छोटी सोच भी मत रखो कि समाज का बंटा धार हो जाए, इतनी छोटी सोच भी मत रखो कि समाज का बंटा धार हो जाए। अगर फालतू की सोच पालते रहोगे तो यही सोच हमारे लिए चिंता और डिप्रेशन का काम बन जाएगी, यही सोच और हमारे लिए डिप्रेशन और टेंशन का कारण बन जाएगी। हम लोगों को सोच रखनी होगी, बड़ी सोच का मालिक बनना होगा। सुखी होने का एक ही मंत्र है, नो नेगेटिव। मेरे सुखी सफल और मधुर होने का अगर कोई राज है तो एक अकेला राज है, और वो है नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। ये एक ऐसा मंत्र है जो आज तक धरती पर कभी भी निष्फल नहीं गया, ये एक ऐसा मंत्र है जो आज भी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अगर इस मंत्र को लागू किया जाए तो हमारी आपसी सीमाओं की दूरियां मिट सकती है। ये एक ऐसा मंत्र है कि जिसको अगर परिवार में लागू कर दो तो परिवार में कोई भी सास बहु आपस में जुदा होना पसंद नहीं करेगी। ये मंत्र अगर लागू कर दो तो बेटा कभी बाप के सामने मुंह चढ़ करके नहीं बोलेगा, हमेशा यही कहेगा, पापा जो आपने कह दिया सो ओके। जो व्यक्ति बी पॉजिटिव होकर सोचेगा, उसे पता है मेरे पापा ने मेरे लिए अब तक कितनी कुर्बानियां दी हैं। जो भी व्यक्ति बी पॉजिटिव होकर सोचेगा वो ये जानेगा कि मेरे पापा ने मुझे कितनी कुर्बानियां दी है। अरे जिस माँ से आज बेटा अलग होने की सोच रहा है, अगर वो बी पॉजिटिव होकर सोचेगा तो उसे पता चलेगा आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की बदौलत हूँ, मैं किससे अलग होने की सोच रहा हूँ, मैं किससे अलग होने की सोच रहा हूं कि जिस मां ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, अपनी आंचल का अमृत पिला पिला करके मुझे बड़ा किया, अपना सब कुछ मुझ पर न्योछावर किया, मेरी शादी हुई तो अपने सोने के कंगन वो भी उतार उतार कर मेरे लिए चढ़ा दिए, मां ने भले ही समझौता कर लिया कि वो डुप्लीकेट ज्वेलरी पहन करके बेटे की शादी में चली गई, पर अपने बेटे की बहू के लिए अपने ओरिजिनल गहने निकाल निकाल करके जिसने चढ़ाए, जिस दिन हम में से कोई भी व्यक्ति बी पॉजिटिव होकर सोचेगा तो पता चलेगा मेरे माँ ने मेरे लिए क्या किया, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। जिस भाई के सामने आज मैं मन में आए वैसा बोल जाता हूं, उसी भाई ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया। हजार बार मेरे बड़े भाई ने मुझे अपनी गोद में रखा होगा, मैंने उनकी गोद में लैट्रिन बाथरूम किए होंगे। आज मैं छोटी सी एक जमीन के 10 फुट जमीन के टुकड़े के लिए आज मैं व्यापार में 2.5 लाख के लिए अपने भाई से लड़ पड़ा, घर जुदा कर बैठा। जुदाई वहीं होती है जहाँ नेगेटिवनेस हम लोगों पर हावी हो जाती है। आज की तारीख में समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए अगर किसी मंत्र की जरूरत है, बी बोलो तो बी
पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे मैं तो कहता हूं जितने मंदिर बने हुए हैं, जितने स्थानक बने हुए हैं और जितने भी घर हैं, आप वहां पर अपने अपने धर्मगुरु के चित्र वहां टांग दीजिएगा, पर उसके बगल में एक 4 इंच का चिरकुट ही सही पर स्टिकर पर लगाकर वहां जरूर चौंटा दीजिएगा, जिस पर एक ही मंत्र लिखा हो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। घर में जब भी झगड़ा हो झट से मंत्र को याद कर लो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। जैसे ही खाना खाने बैठे और नमक को लेकर के आपका माइंड फ्यूज हुआ, झट से अपने आप को प्रेरणा दो, मोटिवेशनल प्रेरणा दो और अपने आप से कहो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। इस मंत्र से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अच्छी सोच और ऊंची सोच से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, गंदी और गलत सोच से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। सबसे बड़ा पाप क्या? गलत सोच, गंदी सोच। सबसे बड़ा पुण्य क्या? अच्छी सोच और ऊंची सोच। यही है सबसे बड़ा पुण्य। अरे गंगा जी में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000, सब बोलो, गंगा जी में डुबकी लगाकर, अरे गंगा जी में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000, इनसे क्या होगा जीवन में, घर बदले नहीं विचार, घर बदले नहीं विचार, घर बदले नहीं विचार। अगर हमारा ये हमारा विचार ही अगर नहीं बदलेगा तो होगा क्या फिर? सोच ही अगर नहीं बदल पाए तो होगा क्या? घर घर में झगड़े होते रहेंगे, अनेक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अनेक बार लोग आत्महत्या करने की सोच लेते हैं। कौन? जिसकी सोच नेगेटिव 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 बन चुकी है। आज जितने भी न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन है, उनसे जाकर पूछो तुम्हारा धंधा किस पर चलता है? आपकी नेगेटिव सोच पर। अगर ये दुनिया केवल एक मंत्र अपना ले और वो है सोच को हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक, ऊंची और पवित्र रखेंगे, सारे न्यूरो फिजिशियनों के ताले लग जाएंगे। एक ही चीज चाहिए और वो क्या है? बी पॉजिटिव। खाना खाने बैठे, भैया धर्मपत्नी खाना बना रही है, कोई जरूरी नहीं है कि रोजाना आपको बिल्कुल फिट फाट टिप टॉप बिल्कुल अप टू डेट आपको मिलेगा। भाई अब नमक डाल रही है, वो कोई तोल तोल के तो डालती नहीं है, अब तोल तोल के तो डालती नहीं। अब लौकी की सब्जी बन रही है, कभी बीज ज्यादा निकल जाते हैं, कभी कम निकल जाते हैं, वो सब्जी छोंकती है और अपने अंदाज से नमक डालती है, कभी थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा ज्यादा पड़ गया। माइंड को फ्यूज मत होने दो, बिजली के कनेक्शन में फ्यूज हो जाए चल जाएगा, पर क्या? माइंड को फ्यूज मत होने दो। अरे जिस दिन लगे ना कि नमक ज्यादा है तो हाक्का हुक्का करने की बजाय थोड़ा सा 2 चम्मच दही मंगाओ, फीका दही सब्जी में मिला लो, हिला दो, सब्जी भी टेस्टी बन गई और घर का वातावरण भी संतुलित रह गया। और अगर नमक थोड़ा कम है तो हाक्का हुक्का मत करना, पत्नी को कहना थैंक यू 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 थैंक यू। 9 बार कहना, 3 बार वाला जमाना पुराना हो गया है, 3 बार थैंक यू कहने वाला जमाना पूरा हो गया, पुराना हो गया, अब कितनी बार कहना थैंक यू? आप बोलेंगे बाप जी क्यों गड़बड़ करो, एक तो नमक कम गाली, ऊपर से आप क्यों थैंक यू 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 और बोलो। अरे भाई यहाँ तो अपन लोगों से आई एम बिल हुआ कोनी, ऐसे तो अपन लोगों से आई एम बिल तप नहीं होता। अरे मैं तो कहता हूं बहनों, हफ्ते में एक दिन जरूर नमक कम डाला करो, नमक कम डालोगे तो बीपी भी इन लोगों का हाई नहीं होगा। और सप्ताह में एक दिन हर पत्नी को अपने पति के साथ एक बार टेढ़ा व्यवहार करके देख लेना चाहिए कि मेरा पति सुधर गया या नहीं सुधरा। और कम से कम हम लोग अगर 21 दिन के लिए आपके चेन्नई में नगर में ना, हर हफ्ते एक बार तो परीक्षा एग्जामिनेशन कर ही लेना, पता चल जाएगा ये वहां जाके कुछ सुधर रहे हैं कि भाटा जैसा था वैसा का वैसा ही है। वहां जाके ओहो, हम लोगों को अपने आप को बदलना पड़ेगा, चेंज योर एटीट्यूड एंड चेंज योर लाइफ। भाई देखो क्या गजब है, दुनिया में कोई भी प्रतिमा पत्थर से निकलती है पर
मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कोई प्रतिमा पत्थर में डाली जाती है? कोई डाली जाती है? नहीं डाली जाती है। तो प्रतिमा कैसे बनती है? अनगढ़ पत्थर को तराश 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 करके एक भगवान की प्रतिमा का निर्माण होता है। मैं कहूँगा भगवान ने आपको सोचने और समझने की ताकत दी है, आप इस पत्थर को भी तराशो 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 तराशो, इसको भगवान की प्रतिमा बनाओ। गॉड बन सको तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा, पर गॉड न भी बन सको तो कम से कम गुड 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 तो बन ही जाओ। कम से कम हर आदमी गुड 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 तो बन जाए। आप अपनी कॉपी में मास्टर जी से क्या लिखवाना चाहेंगे? क्या लिखवाना चाहेंगे? गुड गुड। अच्छा वेरी गुड। अच्छा वो हैं, वो कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड कब बनेंगे बताऊं आपको? देखिए हमारे एक खास भगत है। भगत इसलिए कह देता हूं क्योंकि उन्होंने हमारा अभी 2 साल पहले ही इंदौर में चातुर्मास करवाया। हमारे बहुत करीबी व्यक्ति हैं, हमारे चातुर्मास के लाभार्थी व्यक्ति हैं, और उनका नाम है श्री पंकज जी सिंघवी। नाम क्या बताया मैंने? तो उनकी धर्मपत्नी वो हमारी छोटी बहन बनाई हुई है और हमारी इतनी सेवा करती है, वो परिवार हमारा इतनी सेवा करता है कि विनती करते हैं बेंगलोर वाले और मद्रास वाले आने के लिए, पर जंगलों में आकर के हमारी विहार की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था ये लोग आकर के जंगलों में करते हैं। असली समाज का गौरव वो नहीं होता जो बाबजी को बुलाकर चातुर्मास करवाए, असली समाज का गौरव वो होता है जो जंगलों में आकर के बाबजी की सेवा करे, वो असली समाज का गौरव होता है, वो असली समाज का गौरव होता है। हमें पता है ना, हमें पता है कि हमारी व्यवस्थाएं किनके बलबूते पर चलती है। हमारी व्यवस्थाएं समाजों के लीडरों के बलबूते नहीं चलती है, हमारी व्यवस्थाएं जो सहज में आकर के हमारी सेवाएं करके चले जाया करते हैं, हमारी व्यवस्थाएं उनके भरोसे चलती है। क्योंकि हमें ना कोई मंदिर बनाना है, ना कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है, ना कोई तीर्थ खड़ा करना है, हमें तो केवल इंसान होकर इंसान का निर्माण करना है। हमें तो केवल आप सब लोगों को एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश, एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, इसलिए हम लोग तो केवल आप लोगों के बीच में चले आते हैं। तो मैं बात आपको ये बता रहा था, वो हमारे चातुर्मास के लाभार्थी हैं श्री पंकज जी सिंह भी। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन रविवार का दिन था, बहुत भीड़ भड़का था, तो सत्संग बाहर से आने वाले यात्री और सब में वो इतने ज़्यादा व्यस्त रह गए कि सोमवार का दिन था उस दिन, और सोमवार का दिन था तो दादाबाड़ी उनके जाने का नियम था सोमवार सोमवार। तो हुआ ये कि रात को वो 9:30-10 बजे घर पहुंचे पंकज जी, और जाकर के अपनी पत्नी से कहा, पत्नी का नाम है आदरणीय सीमा जी सिंघवी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से जाकर कहा कि 10 बज गई है, आज अपन लोग दादाबाड़ी नहीं चल पाया, चलो आओ दादाबाड़ी चल के आ जाते हैं। पत्नी ने कहा, सीमा जी ने कहा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से तो कमर भी हिल नहीं पा रही है, मैं इतना दिन भर काम करके आई हूँ कि सब आने जाने वाले यात्रियों की व्यवस्था में इतनी लग गई कि अब मेरे तो शरीर में ताकत नहीं आई। उसने क्या ताकत नहीं है, क्यों आलस खावे, चल चल रहा हूँ आपा। अब पति ने 3 बार कह दिया तो फिर पत्नी को जाना ही पड़ेगा। तो पंकज जी अपनी मैसेज को लेकर के कार उठाई और निकल पड़े। दादाबाड़ी पहुँचे तो जूते कहाँ खोलने पड़ेंगे, अंदर की बार, हाँ बिल्कुल ठीक है, बाहर। तो उन्होंने दादाबाड़ी के बाहर अपने जूते खोल दिए, अंदर गए, दादा गुरुदेव का इकतीसा गाया, आरती की होगी, अगरबत्ती की होगी, जो उनको अपनी पूजा भक्ति करनी थी की, और 20 मिनट के बाद जैसे ही बाहर लौट कर आए, आते ही जूतों के पास गए तो जूते क्या हो गया था, जूते देखा चमत्कार चमत्कार जूते गायब हो गए। आपके जूते गायब हो जाए तो आप क्या सोचेंगे, दादा गुरुदेव का चमत्कार हुआ जो जूते मेरे गायब हो गए। तो वो जैसे ही बाहर आए, जूते गायब देखे, इधर उधर देखा, कहीं जूते मिले नहीं, तभी उनकी धर्म पत्नी, वो हमारी छोटी बहन बनाई है, बहुत प्यारी है, बहुत लाडेसर है, पर उन्होंने उनके मुंह से निकल पड़ा, मैं थाने पहला गया थोनी कि आज नहीं चला काले चला ला, अब थे आया देखो तारा नया जूता गया परा, अगर अपन नहीं आऊंता तो काले आऊंता तो आज आप जूता नहीं जाऊंता। वो पंकज जी ने कहा, रे बावड़ी तू चंद्र सागर जी ललित सागर जी चेली है और एडी नेगेटिव थॉट्स रखे,
अरे सोच, आज अगर अपन यहाँ नहीं आते तो किसी सहधर्मी भाई को जूता देने का सौभाग्य कहाँ से मिलता, या किसी जरूरतमंद भाई को जूता देने का सौभाग्य कहां से मिलता। आपके सामने दो विकल्प हैं, आप चाहें तो उस समय नेगेटिव थॉट्स ला करके मन भी बना सकते थे और कह सकते थे दादा बड़ी आवा जूता गायब मुझे काल सु दादा बड़ी आनो बंद, और आप चाहें तो भी पॉजिटिव होकर के आप अपने आप को प्रेरणा दे सकते हैं कि मेरे जूते चले गए सौभाग्य, शनि महाराज मारा अभी राजी हो गया, शनि महाराज मेरे राजी हो गए। ये आपके सामने है, परिस्थितियां सबके सामने बनेगी, अब ये आप पर है कि आप उस समय कैसा सोचते हैं। देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूं, जोधपुर का उदाहरण है, हमारे अपने से जुड़े हुए व्यक्ति और उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, गृह प्रवेश का कार्यक्रम था और अगले दिन हमें भी उनके यहां जाना था। तो अपने बड़े आदमी हैं तो करीबन बाहर से भी 500-700 उनके परिजन लोग आए हुए थे, अलग अलग होटलों में उन सबको रुकाया हुआ था, बड़ी कोठी बनाई, बड़ा जीमण था, 4-5 हजार लोगों का जीमण रहा होगा, हमें भी जाना था लेकिन कार्यक्रम है कल और वो आज रात को घटना घटी। और घटना क्या घटी, घटना ये घटी कि कल 4 हजार लोगों का खाना है तो मिठाइयां कब बनेगी, पहले दिन, या पहले दिन, बिल्कुल ठीक बात बताई आपने, पहले दिन मिठाइयां बनेगी और सारी मिठाइयां वगैरह सब बना करके रख दी गई, मकान को ताला लगाया और सारे लोग निकल पड़े कि जो खाना वाना सब बनाता था अंदर बना दिया, गृह प्रवेश की जो व्यवस्थाएं अंदर करनी थी कर दी। और रात को अचानक 12:30-1 बजे उनके पड़ोसी का फोन आया और उनके यहाँ फोन आया, भाई साहब दौड़ के आइए आपके घर में आग लग गई, लगता है कोई गैस की टंकी लीकेज हो गई होगी और आपके घर में धूं धूं करके आग लगी हुई है। वो लोग धड़ाधड़ दौड़ के आए, पड़ोसी आए, सारे लोग दौड़ दौड़ा कर, अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति तो सभी लोगों की हमदर्दी होगी, सब लोग इकट्ठे थे, आग बुझ रही थी, दमकलें चल रही थी। अब जो घटना घटी वो मैं आपको असली बता रहा हूँ, और घटना ये घटी कि बगल में खड़े वाले लोगों ने और अन्य परिजनों ने सुबह जब सब लोग वहाँ पहुँचे, काली बिल्डिंग देखी, जिस बिल्डिंग का गृह प्रवेश होना था वो सारी भूत जैसी काली सामने दिखाई दी। परिजनों ने उनको सांत्वना देनी चाहिए, भाई साहब थारे साथ बहुत बुरो हो, अफसोस है भाई साहब थारे साथ बहुत बुरो हो, बहुत बुरो हो। उस शख्स ने कहा, भाई तुम लोग कहते हो बुरा हुआ, मैं तो कहता हूँ जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अरे आग लगने का योग तो था, आग लगने का योग तो था, ये तो गुरु महाराज की कृपा है कि जो आग कल लगनी थी वो बीते हुए कल में ही लग गई। आज अगर घर जला है तो केवल मकान जला है, अगर आने वाले कल को ये आग लगती है तो घर के सारे मालिक भी जल जाते। घर में भी अगर दो तरह की एक अलग अलग विषम परिस्थिति बनती है, आप चाहें तो नेगेटिव सोच सकते हैं, आप चाहें तो पॉजिटिव सोच सकते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे नुकसान आप पर हावी ना हो पाएगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो नुकसान ऐसा हावी होगा कि आप सीधे डिप्रेशन में चले जाएंगे और 6 साल तक भी आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा, वो काली बिल्डिंग जिंदगी भर आपका पीछा करती रहेगी। इसलिए जीवन में अपनाने जैसा कोई मंत्र है तो वो है नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, बोलो तो नो नेगेटिव बी, तीसरी बार फिर बोलो तो नो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। गांधी जी ने इस देशवासियों को 3 बंदरों की प्रेरणा दी है, कितने लोगों को पता है गांधी जी के 3 बंदर, हाथ खड़ा करके बताइए, तो सबको पता है गांधी जी के 3 बंदर, ओ वेरी गुड। चलिए एक काम करते, चलो बेटा आ गया हो तो आपको पता है ना गांधी जी का, चलो बंदर इधर आओ। दूसरा और कौन है जिसको गांधी जी के 3 बंदरों का पता है, आ गया हो दौड़ के, आपको पता है बाबू, हैं खड़े हो, अगर पता है तो खड़े हो, स्टैंड अप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इधर पब्लिक की तरफ मुंह करो तो। हाँ ये देखो भाई गांधी जी के 3 बंदरे, गांधी जी के 3 बांदरे है तो बेटा गोरा, तमिलनाडु में पैदा हुए तो ही गोरा हो यार थे लोग तो, अच्छी बात है।
ये गांधी जी के तीन मंदिर, बेटा जरा हाथों से पोजीशन बनाओ, तीन मंदिर क्या कहते हैं, हाथों से पोजीशन बनाओ, हाँ लाओ रखो। नंबर एक पहला बांद्रा, पहले बांद्रे ने हाथ कहाँ रखा, मुंह पर, दूसरा बांद्रा आंख पर, तीसरा बांद्रा कान पर, क्या बताएंगे, गांधी जी का पहला बंदर हमसे क्या कहता है, सब बोलो तो, बुरा मत बोलो, गांधी जी का दूसरा बंदर क्या कहता है, बुरा मत देखो, गांधी जी का तीसरा बंदर क्या कहता है, बुरा मत सुनो। इंसान तो बनना है, अभी ये वानर है, इंसान पूरे बने नहीं है, ये गांधी जी के तीन बंदर हमसे कहते हैं। नंबर एक, सब दोबारा बोलो तो, पहला बंदर क्या कहता है, बुरा मत बोलो, दूसरा बंदर क्या कहता है, बुरा मत देखो, तीसरा बंदर, पर आपको बता दूं, देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष होने को आ रहे हैं, पर गांधी जी के तीनों बंदरों ने आज तक भारत का कल्याण नहीं किया। भारत का कल्याण गांधी जी के तीन बंदरों से नहीं होगा, भारत का कल्याण चंद्रप्रभ के चार बंदरों से होगा, और वो चौथा बंदर, सिर पर हाथ रखो, कितने लोगों ने सिर पर हाथ रखा, चौथा बंदर सब बन जाओ, और ये चंद्रप्रभ का चौथा बंदर, सिर की कनपटी पर हाथ रखो, ओनली वन अंगुली, और सिर पर अंगुली पर हाथ रखकर अब बोलो तो, चंद्रप्रभ का चौथा बंदर क्या कहता है, बुरा मत सोचो, चंद्रप्रभ का चौथा बंदर कहता है, बुरा मत, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, गांधी जी के तीन बंदर और चंद्रप्रभ का चौथा बंदर। मेरा दावा है, अगर कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं सोचेगा तो बुरा बोलेगा भी नहीं, बुरा देखेगा भी नहीं, बुरा सुनेगा भी नहीं। पर अभी अगर आप कभी बुरा बोल जाते हैं, बुरी चीज देख लेते हैं, बुरी चीजों को सुन लेते हैं, इसका मतलब सोच हमारी ओछी है, गंदी है, दूषित है। जो व्यक्ति अपने मन और विचार और सोच को पवित्र कर लेता है, अपनी विचारधाराओं को पवित्र करना ईश्वर और अरिहंत प्रभु की सबसे अच्छी पूजा है, भगवान की सबसे सर्वोपरि पूजा है, अपनी मानसिकता को पवित्र और निर्मल कर लेना। मेरा दावा है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो केवल अपने आप को ओनली फॉर टू मिनट्स, केवल 2 मिनट के लिए भी अगर अपने आप को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाने को तैयार हो जाए, कितना मिनट मैंने कहा, कितना कहा मैंने, 2 मिनट। अच्छा, एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, ओ भाई साहब पीले शर्ट वाले खड़े हो ये तो, हाँ थोड़े बड़े सेठ लग रहे हैं, थोड़ा हाथ लगा के इनको खड़ा करो तो। अच्छा चलिए, एक बात बताइए भाई साहब, जरा ईमानदारी से, बेईमानी से जवाब मत दीजिएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या आपके जीवन में जिसके साथ आपकी अनबन हो गई और बोलचाल बंद है, कोई है तो बता दो, नहीं है तो नहीं है, कोई है याद कीजिए, है सर, है ओके वेरी गुड। भाई साहब चश्मे वाले आप वाइट सुपर वाइट खड़े हुई हैं, भाई साहब जरा एक बात सोचिए और ये सोचिए कि थोड़ा ईमानदारी से, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपकी अनबन हो गई और बोलचाल नहीं होती है, बंद हो गई है, कोई है, है, है। ओके, केवल मैंने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए होंगे, आप पब्लिक में से खड़ा करके और दोनों ने ये कबूल कर लिया ईमानदारी से कि मेरी बोलचाल बंद है। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, रणजीत प्रभु खड़े हुए तो, हाँ उनको भी माइक दीजिए, उनकी भी क्लास लेते हैं, हाँ आगे आइए तो। भाई साहब जरा एक बात ईमानदारी से बताइए कि, थोड़ा इधर आइए ना, आगे आइए ना, अच्छा जरा एक बात ईमानदारी से बताइए कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आपकी कहा सुनी हुई है और है। आप उनको पसंद नहीं करते, वो आपको पसंद नहीं करते, कोई है ऐसा, है, है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब ये तो मैंने 3 को खड़ा किया है, कपड़े उतार दूं तो सबके एक जैसी स्थिति मिलेगी, भाई कपड़ों के कारण फर्क है ना, आप में मुझ में ये सब कपड़ों का फर्क है ना, कपड़े उतार दो तो अपन सब एक जैसे बाबा हैं, हैं ये सब कपड़ों का फर्क है, तो अपन सब लोगों की ये स्थिति है। 3 व्यक्ति खड़े हुए जिन्होंने ईमानदारी से, मैं इनको ईमानदार कहूँगा, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करेगा वही व्यक्ति अपने आप को सुधार पाएगा, जो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं उसको चेंज कैसे करेंगे। अब जरा मैं
आपसे अगला सवाल करता हूं, और मेरा सवाल ये है कि जिसके साथ आपकी बोलचाल बंद है, ज़रा सोचो, माइक ऊपर उठाओ, अब ज़रा बताओ कि वो आदमी थोड़ा सा तो अच्छा होगा, जिसके साथ बोलचाल बंद होगी वो आदमी थोड़ा सा तो अच्छा होगा, इतना सा अच्छा, चुटकी भर जितना यहाँ भर लो भाई, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव बनाता हूँ आपको, अब सोचो थोड़ा सा तो अच्छा होगा, अच्छा अच्छा है, अब सोचो जरा कितना परसेंट अच्छा होगा, थोड़ा लगाओ, आइडिया लगाओ, देखते हैं, अंदाज लगाओ कि थोड़ा सा मैं कितना परसेंट आप देंगे उनको, दो 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 भाई, मास्टर जी बना रहा हूँ आपका नंबर, दो 50%, 50%, ओह वेरी गुड, 50% तो इन्होंने कबूल कर लिया कि जिसके साथ मेरी बोलचाल बंद है 50% तो अच्छा है। भाई साहब अगले वाले को दीजिए, भाई साहब आपको क्या लगता है कि जिसके साथ बोलचाल बंद है वो आदमी थोड़ा सा अच्छा है? नहीं, बहुत अच्छा था, मेरा एक तमिल वाला पार्टनर था जो 35 साल हम पार्टनर थे, लेकिन वो डिटेल में मत जाइए, नहीं तो पब्लिक बैठे ना गड़बड़ हो जाएगी, अभी केवल इतना सा जवाब दीजिए कि वो थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये इन्होंने लगभग परसेंटेज दीजिए, कितना परसेंट मार्क्स देंगे आप उनको, जल्दी टाइम कम है, 90%, ओहो वेरी गुड, अगले वाले को दीजिए, तो जिससे बोलचाल बंद है सोचिए वो अच्छा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगी उसमें, पहले तो अच्छे ही थे, फिर बाद पहले तो अच्छे थे, बाद में वो बराबर नहीं, जब आप बोलचाल करते तब तो आपको अच्छे लगते थे, अब बोलचाल नहीं होता तो अब आपको बुरे लगते हैं, हाँ, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, एक ने कहा 90% सामने वाला अच्छा है, एक ने कहा कितने परसेंट 50 वाला, आप येलो टी शर्ट वाले आप कितने परसेंट देंगे, 60, चलिए बेटे मास्टर जी बड़े जोरदार हैं, बहुत सोच सोच के मार्क्स देते हैं, है? मैं टाबर था नहीं जने मास्टर जी के, तो मास्टर थारे घरों कहीं लागे, थोड़ा दो चार मार्क्स और ज़्यादा दे दो थारे घरों कहीं लागे, हैं हमारे बाप का टाबर और कल्याण हो जाए थारे कहीं लागे, थोड़ा और ज़्यादा दे दो नंबर, पर भाई मास्टर जी है नहीं, ए मास्टर जी बड़ा गजब रहे, बहुत सोच सोच नंबर दे हुए, अब आपको बताऊँ इन्होंने कहा, एक ने कहा 90%, एक ने कहा 60%, एक ने कहा 50%, अच्छा अब अगर मैं इन लोगों से अगर पूछूं, भाई साहब 50% वाला माइक पकड़ो तो, और माइक पकड़ के बताओ, आपने कहा सामने वाला 50% अच्छा है, अब जरा आप अपने आप में झांक कर देखें आप कितने अच्छे हैं, मार्क्स दीजिए अपने आप को, मार्क्स दीजिए भाई साहब जी अपने आप को, आप कितने परसेंट अच्छे हैं, हाँ 75, ठीक है, सामने वाला 50% और हम में 75%, ओके चलिए ये 25% थोड़ा एक्स्ट्रा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं, आप भाई साहब सामने वाले को आपने बताया 90%, आपको कितना लगता है, अच्छे के साथ ही अच्छा निपट सकता है, मैं भी अच्छा था, अच्छे के साथ मैं भी अच्छा अच्छा था, तो अब मार्क्स दीजिए ना, आप अपने आप को कितना अच्छा मानते हैं, मैं भी 90% अच्छा था, अच्छा मैं भी 90% अच्छा, वो पीले वाले को दीजिए, तो कितने परसेंट है भाई साहब आप, 60% हैं, कितने परसेंट, 60, ठीक है, अब चलिए अपन एक एक मतलब रिजल्ट निकालते हैं, अब मैं पूछूंगा, पहले वाले ने कहा 50 और 75, पर सेकंड वाले ने क्या जवाब दिया बताइए, तो वो भी 90 और मैं भी 90, तो इसका मतलब हुआ अगले में भी 10% कमी और मेरे में भी 10% कमी, तब दोनों एक बराबर के हो गए ना, फिर कहां झगड़ा कर रहे हो, दोनों एक माजने के हो गए, इसलिए आज से अपने मन से बी पॉजिटिव बन करके, जिसके साथ बोलचाल बंद है आज अपने व्यापार में बात जाइएगा, घर में जाकर रोटी बाद में खाइएगा, पहले जिससे 10% बोलचाल नहीं है क्या करना, कहना भाई थोड़ा खोटा मैं, थोड़ा खोटा तू है, गलतियों से जुदा न तू है न मैं हूं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, आओ अपन दोनों वापस गले मिलते हैं, फिर से अपनी मित्रता को कायम करते हैं, आप मित्रता कायम करके देखिए और तब आपको पता चलेगा पिछले दिनों में आपने जो बोलचाल बंद की उसमें आपने जितना नुकसान उठाया होगा, वापस अगर बोलचाल शुरू हो जाएगी सारे नुकसान की भरपाई केवल आज से वापस होनी शुरू हो जाएगी, पीले वाले को दे तो क्या करो, हाँ बोलो, अपन भी 60 और वो भी 60, 40% अपन भी खोटे और वो भी खोटे, क्या करें, खोट को निकाल के बाहर करो, प्योर गोल्ड को अगर अपनाना है तो 40% तुम भी अपना छोड़ो और 40% उसका भी भूलो, आगे बढ़ो, लग जाओ,
ये मत सोचना मेरा पेट आड़े आ जाएगा, दिल आगे बढ़ाओगे, दिल आगे बढ़ाओगे तो, दिल आगे बढ़ाओगे तो पेट आड़े नहीं आता है। और वो जो लास्ट में जो खड़े हैं उन्होंने कहा अगले में 50 और खुद में 75। ओ प्रभु जी, अभी आपने खुद में देखा 75, अगले में देखा 50। मैं कहूँगा आज यहाँ से मंत्र सीख कर जाओ और वो है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव। घर बाद में जाइएगा और जिसको आपने 50 कहा है उसको फ़ोन लगा करके आज के प्रणाम जरूर अर्ज कीजिएगा। आपको लगेगा सामने वाले में 75% है और मुझ में 50% है। बी पॉजिटिव, नो नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सिट डाउन प्लीज। और केवल आज का ये पाठ सीख लो, मैंने कहा दुश्मन के प्रति भी अगर बी पॉजिटिव होकर सोचोगे तो संवत्सरी साल भर बाद नहीं आएगी। अरे आप क्यों सोचते हैं कि हमारा चातुर्मास होगा तभी आप संवत्सरी मनाएंगे? आप तो आज संवत्सरी मनाओ और जिसके साथ भी बोलचाल बंद है आगे बढ़ो और उसे गले लगाओ। भाई है तो भाई, काकोसा है तो काकोसा, मम्मी है तो मम्मी। आपको लगता है बहू और सास के बीच में बोलचाल बंद है? अरे भाई साहब, आपकी मम्मी देश में बैठी और आप प्रदेश में आकर बैठे हैं। अरे कुछ और नहीं हो सकता, सुबह उठकर फ़ोन तो लगा सकते हो, मम्मी प्रणाम, वो इतना तो हक रखती है आप लोगों से कहलवाने का। आप कितने भी बोलचाल बंद क्यों ना कर दो पर इतना हक तो रखती है कि मेरा बेटा मुझे फ़ोन करे और कहे मम्मी धोक, मम्मी जय जिनेंद्र, मम्मी जय श्री कृष्णा, मम्मी प्रणाम, इतना तो वो हक रखती है। उसने आपका इतना कोई बुरा नहीं किया कि आज आप अपनी माँ से बोलना छोड़ दें, अपनी सास से बोलना छोड़ दें, अपनी देवरानी या जेठानी से बोलना ही बंद कर दें। क्या वो इतना भी हक नहीं रखती कि आप उनके पास जा कर के प्रणाम कह सकें? ओह माना, माना आपके पापा ने आपको डांट दिया होगा, कह भी दिया होगा कि अगर मेरे घर में रहना है तो ये नियम मानना पड़ेगा, नहीं तो निकल जा घर से, और आप गुस्से में आकर के निकल भी पड़े। माना पापा गुस्सा कर बैठे होंगे, आप घर से निकल भी गए होंगे, पर वो इतना हक तो रखते हैं, उन्होंने गुस्सा एक बार किया है और कुर्बानियां आपके लिए हजारों दफा दी है, कुर्बानियां आपके लिए हजारों दफा दी है। आपसे और कुछ नहीं होता, और कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूं ना, अरे लोग तो यहां जीमण करते हैं एक दूसरे के दिल में बसने के लिए, बिदाम की कतलियां खिलाते हैं और पता नहीं ये लोग क्या क्या करते रहते हैं, पता नहीं इन लोगों को क्या क्या सूझता है, सबको बादाम की कतलियां खिलाओ। अरे मैं तो कहूंगा कल आप लोग यहां आए ना तो कल एक काम कीजिएगा, मैं तो आपसे कहूंगा रस्ते में आते समय 20 रुपये का एक पाव अंगूर लेकर के आ जाइएगा। कितना कहा मैंने, कितना, कितना अंगूर? केवल एक पाव अंगूर। एक पाव अंगूर में दाने कितने होते होंगे? वो बोलो भाई कितने होते होंगे? 50। 50 तो हो जाएंगे ना। बस कल अपन एक काम करते, कल कर लेना, आज कर लेना, अपने मोहल्ले में कर लेना, और कुछ नहीं तो घर जाओ ना, अपने पापा के साथ कर लेना, मम्मा के साथ कर लेना, बड़े भाई साहब के साथ कर लेना, वो एक पाव अंगूर लेके जाना। ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करवाते हम लोग हैं, हम लोग वो बाबजी हैं जो खर्चा नहीं कराते हैं। आप लोग करते हैं उसका हम क्या करें, हम तो कह देते हैं हमारे लिए खर्चे वर्चे की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं केवल 20 रुपये में आपके सारे टूटे हुए रिश्तों को ठीक कराऊं और आज यहाँ से जब जाओ ना तो पाव भर अंगूर खरीद लेना, थैले में डाल लेना और जिसके साथ बोल चाले ना ऐसे 50 ज़्यादा लग रहे, 5 लोगों को ही छांट लेना और कुछ मत करना, केवल एक अंगूर। वो जो 250 रुपये की थाली भोजन की काम करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, पर मेरा एक प्यार का अंगूर जरूर काम करेगा। और जिसके साथ बोल चाल बंद है उसके घर जाना, कहना भाई साहब मुंह खोलो तो, और मुंह में एक अंगूर डाल के कह देना आई लव यू, गले लगा लेना, और वो एक अंगूर देरानी जेठानी को जोड़ देगा। वो एक अंगूर इतना तो हक रखता है भाई, जिस देरानी के साथ आपकी बोलचाल बंद हो गई वो एक अंगूर तो आपसे खाने का हक, इतना तो अधिकार है उसका। आपके आपसे आपकी माँ की सेवा नहीं होती, मत करो यार, पर कम से कम कभी कभी महीने में एक बार इसे माँ के पास चले जाओ, मम्मा एक अंगूर मुंह में डाल लो, वो मम्मा एक अंगूर की मिठास को भी लिए लिए एक महीना अपना पूरा आराम से गुजार देगी, एक महीना भी पूरा वो गुजार देगी। तुम भी पॉजिटिव होकर सोचो, अब तक हम केवल नेगेटिव 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 होकर के सोचते रहे तो परिणाम ये निकला कि हमें किसी में 50%, किसी में 40%, किसी में
90% हमें कमियां नजर आ रही है, मैं कहता हूँ बी पॉजिटिव होकर सोचो तो पता चलेगा वो इतना बुरा नहीं है जिसके साथ मैं इतनी बुराई से पेश आऊँ, वो अच्छा है, मैंने अपनी नेगेटिव थॉट्स बना ली है इसलिए दूरी बन गई। आगे बढ़ो, गले लगाओ। देखिए बहुत प्यारी सी घटना कहता हूं, और घटना यही मद्रास के आसपास की है, तमिलनाडु की, और याद कीजिए ये घटना तब की है जब राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। तो यहीं से ही राम जी निकले थे चेन्नई की तरफ से रामेश्वरम की तरफ बढ़ने के लिए, और जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था तो राम सेतु के निर्माण के दौरान पत्थर पर क्या लिखा जा रहा था बोलो तो सब लोग, सबको याद है ना, कितने लोगों को याद है, हाथ खड़ा करके बताइए तो, कितने लोगों को याद है पत्थर पर क्या लिखा जा रहा था बोलिए तो, राम। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पत्थर पर लिखा जा रहा था राम, और पत्थर को पानी में छोड़ दिया जाता था, पत्थर डूबता था कि तिरता था, तिरता था, और वो पत्थर से पत्थर जुड़ता चला गया और इस तरह से राम सेतु का निर्माण होता चला गया। जब लंका में इस बात की खबर पहुंची कि राम में तो न जाने कितनी ताकत है कि पत्थर पर अगर राम का नाम लिख दिया जाए तो पत्थर भी तिरने लग जाता है, अरे जिसके नाम में इतनी ताकत है आखिर उस आदमी में कितनी ताकत होगी, ओह पूरे लंका में विद्रोह उठ गया, पूरे लंका में विद्रोह हो गया था, जैसे कि अभी चला था ना तमिल चीता और वो जो वहां के सिंगलियों के बीच में जैसे विद्रोह हो गया है, वैसे ही वहां पर विद्रोह खड़ा हो आया और रावण के सामने समस्या रखी गई, बोले कि लंकेश अगर आपने भी कुछ करके ना दिखाया तो ये लंकावासी आपका साथ देने को तैयार नहीं होंगे, लंका में विद्रोह की आग भड़क रही है। रावण ने सोचा, रावण को लगा यार मेरे में ये तो ताकत है कि शनि मेरे पांव के नीचे रहे, नवग्रह मेरे काख में दबे रहे, पर पत्थर को पानी में तिरा दूं अपने नाम का। सोचा सोचा फिर कहा, अच्छा दो मिनट सोचा फिर कहा, अच्छा ठीक है घोषणा कर दो, हम भी पत्थर को पानी में तिरा के दिखाएंगे, हम भी पत्थर को पानी में तिरा के दिखाएंगे। और तब ये सुनते ही लंका वासियों में जोश जग गया, तो क्या इसका मतलब हमारे लंकेश में भी इतना ही दम है, सारी प्रजा समुद्र तट पर चली आई। रावण ने एक बड़ा पत्थर मंगवाया, पत्थर पर नाम लिखवाया रावण, पत्थर को हाथ में उठाया, पत्थर को हाथ में उठाया, आंखें बंद की, समुद्र के किनारे गए और ले जाकर के पत्थर को पानी में छोड़ दिया, पत्थर चुल्लू भर पानी में डूब भरो, अगर डुबाना होता तो मैं ये कहानी क्यों कहता, मेरा तो बी पॉजिटिव का सिद्धांत ही फेल हो जाता। अरे मैं तो पॉजिटिवनेस के लिए देश भर में इस बात के लिए मशहूर रहे कि ये वो संत हैं जो सारे समाज और परिवारों में जाकर के लोगों को पॉजिटिव बनाते हैं, लोगों के आभा मंडल को निर्मल बनाते हैं, लोगों की सोच उनकी चेतना को बदलते हैं। और तब पत्थर पानी में डूबा नहीं, क्या हुआ, तिर गया। और जैसे ही पत्थर पानी में तिरा के तिरते ही लंकेश की जय, लंकेश की जय, लंकेश की जय, चारों तरफ रावण की जय जयकार होने लगी। रावण 36 इंच का सीना फुलाए हुए, जब भी कोई जीत हो जाती है थोड़ा सीना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फूल जाता है, हारते ही थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, मैं तो कहता हूं भाई हमेशा सीना फुला के चला करो। रावण, रावण की जय जयकार होने लगी, रावण जय जयकार करते हुए अपने सीने को चौड़ा किए अपने महलों की तरफ गया, और जैसे ही महल में पहुंचा मंदोदरी ने कहा प्रियतम एक बात समझ में ना आई, राम का पत्थर पानी में तिर रहा है, बात समझ में आती है, उनके साथ धर्म है, उनके साथ सत्य है, उनके साथ एक सती का सतीत्व है, उनके नाम का पत्थर पानी में तिरता है, बात समझ में आती है, पर रावण ए लंकेश ए प्रियतम मेरी ये समझ में नहीं आया कि आपके नाम का पत्थर पानी में कैसे तिर गया। रावण ने कहा प्रियतमे अब तुझसे क्या सच छिपाना, हकीकत तो ये है मैंने पत्थर को उठाया, पत्थर पर रावण का नाम लिखाया, पर पत्थर को पानी में छोड़ने से पहले मैंने केवल चंद्रप्रभ का एक सिद्धांत अपनाया, और वो सिद्धांत था नो नेगेटिव बी
पॉजिटिव, वो सिद्धांत था नो नेगेटिव बी पॉजिटिव, और तब मैंने पत्थर को उठाया, 2 मिनट के लिए अपने आप को बी पॉजिटिव बनाया, 2 मिनट के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाया, 2 मिनट के लिए अपने चित्त में धैर्य और शांति धारण की, और मैंने पत्थर से कहा, ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध अगर तुम पानी में डूब गए तो। मैंने पत्थर से कहा कि ए पत्थर तुम्हें राम की सौगंध अगर तुम पानी में डूब गए तो, और ये कहते हुए मैंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया और पत्थर तिर गया, पत्थर तिर गया। ए मेरे भाई बहनों, आप भी अपने आप को जब भी लगता है गुस्से का वातावरण बन गया, भाई भाई में अनबन हो गई, कुछ मत करो, अपने आप को केवल एक पंक्ति की प्रेरणा दो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। आपका भी पत्थर पानी में न तिर जाए तो मुझसे कह देना, आपका भी पत्थर पानी में न तिर जाए तो मुझसे कहना, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। अपने आप से कहो, आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो, तो आंखें बंद करो, अपने दिमाग को शांत करो और अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दो, और प्रेरणा देते हुए आज अपने मन की पाटी पर दिल से लिख लो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। फिर दोबारा धीरज से लिखो, नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। अपने परिवार के सभी सदस्यों को याद करो, मम्मी को, पापा को, भैया को, छोटे भैया को, दीदी को, छोटी दीदी को, अपनी बहन, अपने जीजा को, अपनी लाडेसर धर्म पत्नी और अपने लाडेसर पतिदेव को, अपने बच्चों को, उनकी छवि को याद करो और उनकी छवि को देखकर कहो, आज से नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। आज से तुम लोगों के साथ मेरी कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा देते हुए अपने आप के भीतर अपने आप को 3 बार ये मोटिवेशनल प्रेरणा, ये सकारात्मक प्रेरणा अपने ठेठ अनकॉन्शियस माइंड तक उतर जाने दीजिए और अपने आप से कहिए, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। सब बोलो अपने आप से, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। 3 बार बोलो अपने आप को, ठेठ अपने अनकॉन्शियस माइंड तक जाने दो, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने आप को फिर मोटिवेशनल प्रेरणा देते हुए अपने आप से कहो, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार आज से दूसरों को सुख देंगे। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार आज से दूसरों को सुख देंगे। इसी बार फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड तक, गहराई तक जाने दो और अपने आप के भीतर इन शब्दों को मंत्र की तरह उच्चारित करो, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार दूसरों को सुख देते हैं। ये लाइन अगर बोलने में दिक्कत आ रही है तो दोबारा फिर अपने आप से कहो, मेरी हर सोच, हर शब्द, हर शब्द, हर व्यवहार, हर व्यवहार दूसरों को, दूसरों को सुख देते हैं। तीसरी लाइन फिर अपने आप से कहो, मोटिवेशनल प्रेरणा अपने आप को भी पॉजिटिव बनाने के लिए अपने आप से कहो, मैं दूसरों को, वो जैसे भी हैं, उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूँ। दोबारा बोलो अपने आप को, मैं दूसरों को, वो जैसे भी हैं, उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूँ। फिर तीसरी बार अपने आप से बोलो और कहो, मैं दूसरों को, वो जैसे भी हैं, उनके संस्कारों के साथ उनको स्वीकार करता हूँ। चौथी लाइन फिर अपने आप को बोलो, मोटिवेशनल प्रेरणा दो और अपने अंतर मन की गहराई तक इन शब्दों को जाने दो और अपने आप से कहो, मैं अपने चित्त और चेतना को, सब बोलो, मैं अपने चित्त और चेतना को, मैं अपने चित्त और चेतना को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ, सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ, सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ, सभी प्रकार के राग द्वेष, सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ। केवल जबान से मत बोलो, ठेठ अपने अंतर मन की गहराई, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, ठेठ अंदर की गहराई तक इसको जाने दो, मैं अपने चित्त और चेतना को, मैं अपने चित्त और चेतना को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ,
सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ सभी प्रकार के राग द्वेष सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ। पांचवी लाइन अपने आप से बोलो और अपने आप से कहो और अपने आप से कहो मैं सबका मित्र हूँ सब मेरे मित्र हैं आज से किसी के प्रति भी दुश्मनी नहीं आज से किसी के प्रति दुश्मनी फिर दोबारा मन की गहराइयों तक जाने दो मैं सबका मित्र हूँ मैं सबका मित्र हूँ सब मेरे मित्र हैं सब मेरे मित्र हैं आज से किसी के प्रति भी आज से किसी के प्रति दुश्मनी नहीं। फिर तीसरी बार अपने आप को बोलो और कहो मैं सबका मित्र हूँ सब मेरे मित्र हैं आज से किसी के प्रति भी दुश्मनी नहीं दुश्मनी नहीं दुश्मनी नहीं। अपने आप को तीन बार बोलो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव तीसरी बार फिर बोलो नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। आंखें खोलो ताली बजाओ अपने आप के लिए अपने आप का अभिनंदन करो अपनी आत्मा का अभिनंदन करो। आई एम ए डिवाइन सॉल मैं एक दिव्य आत्मा हूं। आई एम ए डिवाइन सॉल ये मत समझो कि आने वाले कल को मैं दिव्य आत्मा बनूंगा पर हाथ रखकर बोलो अपने दिमाग पर मेरी हर सोच मुझे पता है आप लोग भूल जाते हैं मेरे मंत्र अगर आप लोग अपने जीवन के साथ लागू कर लो तो इसी जन्म में आप वो काम कर जाएंगे जो आने वाले 100 जन्मों में आपको करना है वो आपको केवल इसी एक जन्म में आप पूरा कर लेंगे। मेरी हर सोच बोलो तो मेरी हर सोच हर शब्द हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे दूसरों को सुख देंगे। क्या तीन चीजें मैंने बोली मेरी हर सोच हर शब्द मुंह पर रखो अपने आप से बोलो हर शब्द आज से टेढ़ा बोलना बंद निंदा आलोचना बंद गाली गलौच बंद। मेरी हर सोच हर शब्द हर व्यवहार दूसरों को सुख देंगे दूसरों को सुख देंगे दूसरों को सुख मैं अपने चित्त को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ राग द्वेष से मुक्त करता हूँ। इस जन्म में मुक्त होना है कि अगले जन्म में मुक्त होना है इसी जन्म में मुक्त है इसी जन्म में मुक्त होना है कि आज होना है आज होना है तो तय कर लो मैं अपने चित्त को सभी प्रकार के राग द्वेष से मुक्त करता हूँ मुक्त करता हूँ मुक्त करता हूँ। मैं सबका मित्र हूँ सब मेरे मित्र हैं हकीकत में मित्र हैं हकीकत में जिन तीन लोगों को मैंने खड़ा किया तो वापस खड़े हो तो हाँ वो खड़े हो तो अब थोड़ा ईमानदारी से बोलो तो मैं सबका मित्र हूँ बोलो तो थोड़ा जोर से बोलो ना मैं सबका मित्र हूँ सब मेरे मित्र हैं आज से किसी के प्रति भी दुश्मनी नहीं है आज से किसी के प्रति भी नो नेगेटिव बी पॉजिटिव। आपके जेब में जो 2000 का नोट है ना वो सब लोग उसमें बड़े अक्षर में लिख लीजिएगा क्योंकि मुझे पता है बाकी कागज तो आप फेंक देंगे पर 2000 का नोट नहीं फेंकेंगे। आज उस नोट पर लिख देना नो नेगेटिव बी पॉजिटिव उसको खर्चा अगर हाँ बाप जी कहते हैं कि अगर सादे कागज पर लिखोगे तो कागज भी 2000 का नोट बन जाएगा। और अब क्या करना उस पर लिख देना जमा जमा कर सुंदर अक्षरों में लिखना नो नेगेटिव और उस नोट को अपने पास मत रखिएगा। क्या करना है उसको आगे से आगे बढ़ाना है उसे आगे से आगे बढ़ाना है। अगर 5000 लोग ये मन बना लेते हैं कि मैं अपने 2000 के नोट पर लिखूंगा नो नेगेटिव बी पॉजिटिव आप 5000 लोग अगर वो 5000 नोट आगे बढ़ेंगे ये चेन्नई वाकई नया 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 हो जाएगा।